डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला की पुण्यतिथि आज यानी 18 सितंबर को प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, वकील और शिक्षाविद जस्टिस एम हिदायतुल्ला की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राष्ट्र ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इनका पूरा नाम मोहम्मद हिदायतुल्ला था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1905 को तत्कालीन मध्य प्रांत और बरार के बैतूल में हुआ था। ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश यानी CJI थे। इन्हें जुलाई 1930 में नागपुर में मध्य प्रांत और बरार उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया। अगस्त 1943 में ये मध्य प्रांत और बरार के महाधिवक्ता बने। 1954 से 56 तक ये नागपुर हाईकोर्ट के और 1956 से 58 तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। इन्हें दिसंबर 1958 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। 25 फरवरी 1968 को ये भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश बने। CJI के रूप में इनका कार्यकाल दिसंबर 1970 तक रहा। उस समय वह सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल, किसी उच्च न्यायालय के सबसे कम उम्र के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे कम उम्र के न्यायाधीश थे। इन्होंने दो बार यानी 1969 और 1982 में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। 1979 से 1984 तक ये देश के उपराष्ट्रपति रहे। 18 सितंबर 1992 को इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द जुडिशियल प्रोसेस, द साउथ वेस्ट अफ्रीका केस, अ जज्स मिसलेनी आदि। इनको मिले विभिन्न पुरस्कार और सम्मानों में शामिल हैं ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ऑर्डर ऑफ यूगोस्लाव फ्लैग विद सैश, नाइट ऑफ मार्क ट्वेन आदि।